Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Mock Zone. So guys, today's video is going to be very important for those who appeared for NMIMS Mumbai CDPI because NMIMS Mumbai का final result is out. मतलब final जो admission का result होता है, ठीक है, वो out हो चुका है आज. अभी एक घंटे पहले result आया है. तो उसके बारे में बात करने वाले हैं. काफी लोग confused हैं कि वो select हुए हैं मुंबई के लिए कि नहीं हुए हैं. काफी confusion आ रहे हैं rank को लेके, merit rank को लेके. तो सब discuss करने वाले हैं brief में. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, क्योंकि डेली वीडियोस बन रहे हैं. बीट ए स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट ए कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट ए नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो कि नहीं, तो यहाँ पे जब आप लॉग इन करोगे लिंक पे, लॉग इन अपने NMIMS की वेबसाइट में जाकर जब आप लॉग इन करते हो जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो अगर आपका सेलेक्टेड लिख के आया है, ठीक है, अगर आपका सेलेक्टेड लिख के आया है, नो मैटर आपकी कितनी भी रैंक है, आप सेलेक्टेड हो. क्योंकि वो लोग बफर कॉल्स देते हैं, बहुत लोग कन्फ्यूजन है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उनकी 1100 रैंक आई है, 1182 रैंक कैसे कुछ आई है, बट वो सेलेक्टेड है, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है. हाँ, पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज 600 सीटें हैं, 1100 में कैसे हो गए आप. तो वो लोग बफर कॉल्स देते हैं. बफर कॉल मतलब वो लोग एज्यूम करते हैं कि शुरू के 400-500 बच्चे नहीं लेंगे, और हर बहुत मतलब अच्छा एनालिसिस होता है उनका, हर साल ये होता है, आज की बात नहीं है, हम जब से देख रहे हैं तब से ऐसा होता ही है. तो आपको टेंशन जरूर नहीं है, अगर आप सेलेक्टेड हो तो आपका हो जाएगा, आपका हो गया है सिलेक्शन, आपको सिर्फ फीस पे करके आप पार्टी करो, ठीक है. तो पहली बात तो कन्फ्यूजन ये है, डाउट आपका क्लियर हो गया. दूसरी बात गाइस ये है कि कितने तक हाईएस्ट रैंक मिली लोगों को, ठीक है. तो हमने देखा है 1256 रैंक वाले को भी सेलेक्टेड लिख के आया है, बट ऑन द अदर हैंड 1319 वाला नॉट सेलेक्टेड है. तो मतलब 1256 से 1300 के अराउंड तक मुझे लगता है सेलेक्टेड हो आप, ठीक है. मेरे टाइम पे क्या था, मेरे टाइम पे 1100 रैंक तक सेलेक्टेड था, मतलब 1098 वाज द लास्ट रैंक टू गेट अ कन्वर्ट, बट अब बढ़ा दिया लोगों ने, तो बढ़ाते रहते हैं, इन लोगों का चेंज होता रहता है. बात करें स्कोर्स की, तो कौन से स्कोर को सिलेक्शन मिला है, तो गाइस मैंने हमेशा से बोला आपसे कि GDPI ऑलवेज मैटर्स, एंड में जितना स्कोर लाओ अच्छी बात है, बट GDPI अगर नहीं कर रहे हो तो आपका बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा. ऐसे ऐसे लोग भी है जिनको 247 पे कन्वर्ट मिला है, ठीक है, 249 पे कन्वर्ट मिला है, मतलब फाइनल सिलेक्शन. बट ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको 255 पे 3000 रैंक आई है, इवन 260 प्लस में भी नहीं हुआ, कुछ लोग को 272 पे भी कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है. और गाइस अगर आपका वेट लिस्टेड है, तो आई एम सॉरी टू से, अगर वेट लिस्टेड है तो आपका वो आप होप मत रखो, क्योंकि वो लोग नहीं बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही लिस्ट आती है. ऑलरेडी 600 का 1200 कर दिया उन्होंने, ऑलरेडी एज्यूम कर लिया उन्होंने कि 600 लोग नहीं होंगे, छोड़ देंगे NMIMS ऐसा, ठीक है, तो नहीं होता ऐसा, ठीक है, कभी सेकंड लिस्ट आती नहीं है, तो वेट लिस्टेड वो रहेगा हमेशा, ठीक है. तो आप दूसरे ऑप्शन देखो, अगर आपको बाकी ऑप्शन बाकी NMIMS कैंपसेस के लिए आपने अप्लाई किया है, तो अगर आपको इस बार लेना ही है कोई ऑप्शन नहीं, तो NMIMS बैंगलोर भी ले सकते हो आप. ROI का इशू थोड़ा सा स्टार्टिंग में आता है, बट NMIMS बैंगलोर को भी हो गया है 11 साल, ठीक है, तो 11-12 लाख का मिल जाएगा. बाकी एट द एंड तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्किल्स मैटर करते हैं, या फिर आप और ऑप्शन देखो, केजे समय वगैरह, ठीक है, बट इसमें होप रखना बेकार है, ठीक है, काफी लोग कन्फ्यूजन है, मैं आपको सही चीज बता रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है. और जिन लोग का भी इंटरव्यू बचा है ऑफ कैंपस का, उनको मैं ये बोल रहा हूँ गाइस, GDPI के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो, और मॉक इंटरव्यू आर मस्ट. 4 से 5 अगर इंटरव्यू आप नहीं दे रहे हो ऑफिशियल मॉक इंटरव्यू, तो आपका रिस्क ही है बहुत बड़ा, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट मत रहो, ठीक है, चाहे आपको जितना भी स्कोर आया. मैंने एक बार बोला भी था कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इवन 221 स्कोर पे, जब 210 कट ऑफ जाता था, 221 पे एक को बैंगलोर तक कन्वर्ट नहीं हुआ था, हैदराबाद मेरा था. तो वही बात है ना कि कितना ज्यादा मैटर करता है. और इस बार तो NMIMS ने और कम कर दिया वेटेज NMAT का, 50% कर दिया था, ठीक है. तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, अगर आप नहीं देख पा रहे हो रिजल्ट, तो अभी वेट करो, शायद उन्होंने रिजल्ट हटा दिया है, आराम से अपना 1-2 घंटे बाद देख लेना, ठीक है. NMAT की वेबसाइट में जाके, NMIMS की वेबसाइट में जाके, वहां पे आपको लिंक है अपना एप्लीकेशन फॉर्म में, वहीं पे आपका आएगा, ठीक है, रिजल्ट. तो आप सेलेक्टेड अगर हो तो आप बढ़िया है, ठीक है, आपका हो गया सिलेक्शन, ठीक है. कोई अगर डाउट आता है आपको, मुझे आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो 8604734785 में. एंड दोज हुज एनरोल्ड फॉर अवर मॉक्स एंड मैट के मॉक्स के लिए एनरोल किया था आपने, अगर आप सेलेक्ट होगा तो मुझे पिंग कर देना प्लीज व्हाट्सएप पे, जिससे एक रिकॉर्ड रहता है कि कितने बच्चे सेलेक्टेड हुए, ठीक है, और टच में भी रहना मेरे, आगे हेल्प होगी, ठीक है. चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.